शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, सारी संगत जी का शुक्राना। गुरु जी ने आज हमें बहुत सालों के बाद यहाँ शादरा में भेजा है लोनी में, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव यहाँ रहते हैं पर बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, हम बहुत पहले आते होते थे। शुक्राना गुरु जी ने आजकल ऐसी ऐसी जगह पे सेवा बख्श देते हैं कि जहाँ हम सोचते रह जाते हैं कभी किसी के घर जाएंगे, रिलेटिव के घर जाएंगे, पर आज गुरु जी ने सारे रिश्ते नाते गुरु परिवार से हमारे बना दिए कि रिश्तेदार तो अब समझ में ही नहीं आते हैं कि जाना है कि नहीं जाना। और संगत जी बहुत आज बहुत प्रेम उमड़ रहा था सारी संगत का, क्योंकि कहते हैं कि जिस भाव से संगत सब अपने घर में सत्संग रखते हैं, जिस तरह से परिवार ने इतने प्रेम से भाव से ये सत्संग रखा था, तो वो प्रेम उमड़ रहा था आज सबकी आंखों से उमड़ रहा था। क्योंकि गुरुजी कौन है पता है आपको? कौन है उनका नाम ही प्रेम है, प्यार, पूजा, पूजनीय, विश्वसनीय, बहुत ही मतलब दुनिया में अगर कोई विश्वास करने लायक अगर है ना तो हमारे गुरुजी हैं, बाकी सारी दुनिया बेकार। मैं ये नहीं कहती भगवान और नहीं है, इष्ट सबके हैं, सब पे भरोसा करो, जिन पे आप करते आ रहे हो उन्हें कभी छोड़ो मत। राम को मानते हो राम को मानो, कृष्ण को मानते हो कृष्ण को मानो, वाहेगुरु को मानते हो वाहेगुरु को मानते रहो, लेकिन अपने एक गुरु परिवार में एक भगवान के, हमारा 33 करोड़ देवी देवताओं का भी तो परिवार ही है ना पूरा, तो उसमें हमारे गुरुजी भी ऐड ऑन हो गए हैं। तो जितना प्यार हम बाकी सबसे करते हैं उतना उससे ज़्यादा हमें गुरुजी से करना है, पता क्यों? क्योंकि गुरुजी को भोले भाव महाशिव कहा गया है और ये इतनी जल्दी सुनते हैं। मैं भी कल ही कोई बात हो रही थी, हमने कल ऐसी रात को बैठ के घर में सत्संग किया, मेरे बेटे ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, बड़े दिन से इस महीने में हुआ नहीं था क्योंकि महासमाधि पे होना है, तो ये महीना बड़ा लंबा सा मुझे लग रहा था, मंथली सत्संग नहीं हुआ था। तो मैं गुरुजी को एक ही बात हर बार यही कहती हूँ और गुरुजी बताते भी हैं, अपने गुरुजी अपने टाइम में भी यही बात बोलते थे कि सबसे ज़्यादा ना गुरुजी आंटियों को ब्लेस करते हैं, क्योंकि आंटियाँ जो है ना, लड़कियाँ आंटियाँ, देख रही थी मैं बच्ची बड़ी इमोशनल थी, वो कनेक्शन होता है, वो ये नहीं कि हम कोई दुख में रोते हैं। अब हमारे जीवन में बहुत सारे दुख थे जो आज सुख में परिवर्तित हो गए हैं, पर फिर भी आंसू बहते हैं, पहले दुख में बहते थे आज सुख में शुक्राने के आंसू बहते हैं, वो तो बहते ही रहेंगे, क्योंकि कनेक्शन जब आपका बनेगा परमात्मा के साथ में तो आपकी आंखों से गंगा जमुना वो बह के निकलती है बाहर, वो आपका एक लिव लग जाती है और कुछ नेगेटिविटी होती जो हमारी बाहर निकलती है। तो गुरु जी कहते थे कि मैं आंटियों को इसलिए सबसे ज़्यादा ब्लेस करता हूँ कि वो हमेशा अपने परिवार और अपने पति के लिए ही मांगती हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती हैं। तो सबसे पहले गुरुजी आंटियों की अरदास जल्दी सुन लेते हैं, क्योंकि यहाँ उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे। और मैं आज देख रही थी कि शायद आज बहुत सारे लोगों के मन में कुछ बातें चल रही थी, क्योंकि हम घूमते रहते हैं इधर उधर सेवा में रहते हैं तो नज़र पड़ ही जाती है किसी किसी पर, तो वो जो आप बातें गुरुजी से कर रहे थे ना, बस वो गुरुजी से ही किया करो, किसी से मत किया करो, कोई इंसानों से मत किया करो, इवन मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि अपने पति से मत किया करो। पति आपकी सुन लेगा, पत्नी भी सुन लेगी, जब मौका मिलेगा दो बात सुना देंगे आप, फैक्ट है ना दुनिया का, टोंट मार ही देंगे कभी ना कभी, 4 साड़ियाँ ले देंगे, 5वीं की दोबारा अगर कोई फंक्शन आ गया तो अभी तो तूने ली थी, तो गुरु जी क्या है कभी नहीं सुनाएंगे आपको। गुरु जी आप जितने मर्जी इनसे दुखड़े अपने शेयर कर लो पर ये कभी नहीं सुनाएंगे, ये सुनेंगे। अभी आपने कितनी प्यारी गुरबानी सुनी, तू ना सुने तो और कौन सुने, गुरु तो बिना मेरी कौन सुने। तो यही है गुरु जी हैं कि गुरु के बिना हमारी कौन सुनेगा। जब हमारे जीवन में गुरु जी का प्रवेश हो गया, गुरु जी आ गए हमारे जीवन में, खुशियाँ ही खुशियाँ, बहारें ही बहारें, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। आती हैं प्रॉब्लम, मैं ये नहीं कहती आज हमें रोज़ अगर सेवा बख्शी हुई है, हम रोज़ अमृत वेला भी करते हैं, तो ये थोड़ी ना कि हमारे जीवन में सिर्फ सुख ही सुख है या मेरे जीवन में कोई दुख ही नहीं आता। आता है, वो भी टेस्ट होते हैं, वो प्रारब्ध के कर्मज हैं, जब तक वो नहीं कटेंगे। देखो सेवा करना एक माध्यम है, सेवा में जुड़ना, गुरु की सेवा में जाना, सिमरन में बैठना, अपना अपने लिए सुबह उठना, अमृत वेला करना, खुद के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं कर रहे, भगवान के लिए नियम कर रहे हैं, या हम भगवान को खुश भी नहीं कर रहे, अपना कर्म हम सुधार रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। तो हम ये नहीं सोच रहे कि हम संगत की सेवा कर रहे हैं, हमें सेवा हमने मांगी है, हमें मिल रही है, हम अपने गुरु की सेवा करें, क्योंकि संगत में गुरु बसता है।
गुरु जी कहते हैं मैं किसी भी संगत के रूप में आके कभी भी तुम्हारे सामने आके बैठ जाऊंगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए कहते हैं कि आखिरी समय तक हर संगत को प्रसाद, जल प्रसाद, हर चीज मिलनी चाहिए। उसको बड़े प्रेम से, चाहे वो आपके घर में मेड आए, चाहे आपके घर में स्वीपर आए, चाहे आपके घर में खाना बनाने वाला कुक हो, चाहे आपके घर में ड्राइवर हो, सबको प्रेम से बिठाना है, सबको उसी तरीके से बिठाना है। सब कोई वीआईपी होते हैं उस दिन, कोई है ये नहीं है कि जो आगे बैठा है वो वीआईपी है या जो अंदर चला गया या जो जल्दी आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर गुरुजी कहते हैं, गुरुजी कितनी बार गुरुजी ने ऐसा दिखाया कि ड्राइवर के रूप में आके पहले ही भोग लगा लिया। मेरे घर में खुद हुआ, मेरे घर में मंथली सत्संग था और पूरी डेकोरेशन हो चुकी थी, सत्संग शुरू होने में 3 घंटे बाकी थे अभी, और अचानक से हमारे घर में कोई, मेरे अंकल के कोई बहुत मिलने वाले आते हैं, बड़े उसके वीआईपी थे, कोई फर्स्ट टाइम हमारे घर में आते हैं, और वो मैं आज पता नहीं क्यों गुरुजी सत्संग सुनवा रहे हैं दोबारा से, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भला ज़्यादा होता है, सुनाने वाले से ज़्यादा उसका भला होता है जो सुनता है, और हो सकता है आपने ये ना सुना हो। तो गुरुजी ने ड्राइवर्स के ऊपर तो बहुत सत्संग गुरुजी के टाइम के ही बने हुए हैं, ये मैं अपना सुना रही हूँ, कि वो अंकल आए और उन्होंने ना हमारे मंदिर में आए, तो बहुत ना उस टाइम मैंने कपूर जलाती थी मैं, मुश्क कपूर जो होता है, और ये मोगरा के फूल भी लगे हुए थे, तो पूरा हमारा गुरुजी का रूम महक रहा था। तो वो आए तो कहते वाओ बड़ी पॉजिटिविटी है यहाँ तो, इतना अच्छा लग रहा है। तो हमने कहा हमारे घर में आज सत्संग है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये तो हमेशा ही सजा के रखती है, ऐसे ही सजे रहते हैं गुरुजी। तो इतने में ना वो आके बैठ गए, तो हमने उनको बोला कि आप भी जल प्रसाद दिया, उन्होंने ले लिया, हमने कहा आप खाना खाओगे, तो उन्होंने बोला कि मैं तो ना लंच करके आया हूँ। तो हमने कहा हमने तो आपके लिए खाना बनाया हुआ है, क्योंकि सत्संग भी था और मैंने उनके लिए अलग से शाही पनीर और दाल मखनी और बड़ा सारा सामान बना रखा था, क्योंकि वो एक बड़े आदमी थे। पर जब ऐसे कोई वो महापुरुष ही थे, मतलब कोई हिंदू परिषद के थे, विश्व हिंदू परिषद के थे, माननीय थे वो, तो वो तो संत होते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं होता। अब उन्होंने एक बार मना कर दिया नहीं खाना, तो हम बोल भी नहीं सकते कि आप खा लो, चाय भी उन्होंने मना कर दी। इतने में उन्होंने क्या बोला कि मेरा ड्राइवर नीचे खड़ा है, उसको खाना खिला दो, वो भूखा है। और क्या हुआ कि हमने उसको ऊपर बुलाया और मत्था टेका उसने, और दूसरे वाले रूम में जाके वो बैठ गए ड्राइवर। अब मैं उनको थाली, जबकि मेरे घर में कुक है, मेड है, पर पता नहीं मुझे गुरुजी ने क्या थॉट दिया कि इनकी इसकी थाली आज मैं लगाऊंगी, और मैंने सच में ऐसे थाली लगाई कि जैसे गुरुजी की थाली लगाते हैं। पता नहीं मुझे क्या हुआ, प्रॉपर मैंने नया वाला सेट निकाला। मेरे मन में कई बार वैसे ड्राइवर्स होते हैं तो हम अपने जैसे खाना खाते हैं उसी में हम खिला भी देते हैं, पर पता नहीं गुरुजी ने जो सेट उन अंकल के लिए निकाला हुआ था उसी में कटोरियां रख के हर चीज़ उसको अवेलेबल करके सैलड भी चटनी भी उसके सामने रख दी, उसे बोला तू ऊपर बैठ के खा। वो इतना निहाल हो गया कि कहे कि भाई उसको तो कभी इतना वीआईपी ट्रीटमेंट ही नहीं मिला था, और वो हमारे घर में तो सत्संग अभी होना था। फिर इतने में मेरे को गुरुजी ने कहा तू उन्हें दही नहीं देता, फिर मैं दही लेने गई, मैंने रायता बनाया उसको रायता दिया। तो उसके बाद मैंने उनसे कहा आप रोटी और ले लेना, कहता है नहीं मैं ले लूँगा। फिर मैं किचन में गई, मुझे गुरुजी कहते तूने उसको टिश्यू पेपर नहीं दिया, फिर मैं गई मैंने टिश्यू पेपर उठाया वो भी उसको दिया। अब वो इतना खुश कि कौन ड्राइवर को इस तरीके से टिश्यू पेपर और हाथ में खाना और पानी और खड़ा होके कह रहा है सेवा में ऐसे खड़ा है, क्योंकि हमारे लिए तो मुझे उस समय ये नहीं पता था कि मेरे घर में कौन आया, गुरुजी आया, मैंने सोचा भी नहीं था गुरुजी हैं कौन है। इतने में उसको टिश्यू पेपर दिया, वो निहाल हो गया, फिर तो मुझे दो रोटी और दे दो, उसने आराम से रोटी खाई, और उसके बाद फिर मैंने उसको गुलाब जामुन भी दिया, उसने दो खाए। उसके बाद वो उठ के कहता है मैं नीचे जा रहा हूँ, मैंने कहा चाय पियोगे, कहता है हाँ पी लूँगा, चाय भी बनवाई उसने मेरे से। अच्छा उसके बाद वो नीचे चले गए। अब क्या हुआ कि मैं बड़ी हैरान, मैं किचन में जाए गुरुजी को बातें अंदर अंदर करी, गुरुजी क्या लीला आपकी कि बनवाया खाना किसके लिए था, खिला किसको दिया, अभी तो आप आए भी नहीं हो, भोग भी लग गया, क्योंकि उसमें गुलाब जामुन जो थे ना वो हमने भोग के लिए रखे हुए थे, वो हमने उनके लिए रखे ही नहीं थे। तो तब मेरे को गुरुजी ने कहा कि इसको गुलाब जामुन भी खिला, तो मैंने मन में सोचा कि तो गुरुजी को भोग भी नहीं लगा अभी, वैसे मैं लगा ही देती पहले, लेकिन अभी अंकल बैठे हुए थे उस कमरे, मैंने लगाया नहीं, उसको खिला दिया पहले ही। बड़े खुश थे गुरुजी उस दिन, बहुत खुश थे, मतलब इतनी फ्रेग्रेंस थी हमारे घर में, इतनी फ्रेग्रेंस थी कि लोग कह रहे थे कि सीढ़ियों में ऊपर नीचे तक खुशबू ही खुशबू आ रही है, और कभी किसी को चंदन की आ रही, किसी को गुलाब, गुरुजी आ चुके थे।
फिर जब सत्संग, वो अंकल चले गए सत्संग से पहले, उन्होंने कहा मुझे जाना है, मेरी कहीं और मीटिंग है, अपना वो चले गए, ड्राइवर भी चला गया। मेरे पास तो कोई ऐसे उस टाइम ब्लेसिंग होती नहीं थी कि मैं उसको दे देती, वो चले गए। उसके बाद जब सत्संग शुरू होने वाला था तो हम वेलकम बैंड तो हम करते नहीं है, कभी कभी शौक से कर ले रही हूँ, गुरु जी गद्दी लगी हुई है इसलिए हम सीधे एक ओंकार से जोत जगाते हैं, और गुरु जी हमेशा किसी और से जोत जगवाते हैं हमारे घर में। तो उस दिन गुरु जी ने एक बर्तन साफ करने वाली नीचे से निकल रही थी, और एक और थी काम करने वाली लड़की, वो सुन के आवाज़ ऊपर आए, उनसे जोत जगवाई, और एक आंटी जिसके पूरे कपड़े गीले थे वो पीछे जाके बैठ गई थी, वो कहीं काम करती थी। उसने कहा मेरे गुरुजी की आवाज़ आई तो मैं ऊपर आ गई, तो मेरे को नहीं पता वो काम करती है। मैंने उसे कहा तुम भोग लगाओ, वो रोने लगी कि मेरे कपड़े गीले मैं भोग लगाऊं गुरुजी को, मैं कहा हाँ तुम ही लगाओ। जब ख़त्म हो गया सत्संग तब उसने मुझे कहा कि मैं तो नीचे से जा रही थी, मुझे आवाज़ आ रही थी कि सत्संग की, तो मैं ऊपर आ गई, मुझे नहीं पता मुझे गुरुजी ने भोग क्यों लगवाया। फिर जाके मेरे को उस टाइम गुरुजी ने बड़ी स्ट्रांग टेलीपैथी से मुझे जवाब दिया कि देख मैं आज इनके रूप में आया हूँ, पहले मैं ड्राइवर के रूप में आया, मैंने तेरे घर का भोग लगाया, फिर मैंने मेड्स के रूप में आके भोग लिया। तो यहाँ गुरुजी हमें ये बात सिखाते हैं कि कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब राजा रंक यहाँ दरबार में नहीं होता, कोई भी नहीं होता, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हमारे मन में ये थॉट्स चलते रहते हैं। जो पहली बार सत्संग कराता है वो डरा भी होता है, जैसे आंटी को था कि वो आएगा उसको ऊपर बिठाना है, ये भोला भाव है उनका। हमने कहा कि भाई जिसको आपने बुलाया ये तो बंदी सुनने वाली तो किसी की है नहीं है, कि भाई लीट हुआ है तो बड़ी, इन्होंने मेरे को कहा आंटी प्लीज़ प्लीज़ आंटी मेरा कहना मान लोगे, पता नहीं मेरी कौन सी बहन है कौन ये बैठी है जो आएंगी। तो मैंने कहा गुरुजी ना रहेगा मांस ना बजेगी, बांसुरी सोफे पे लगा दिए फूल, वो भी माला थी नहीं अंकल के पास, एंड टाइम में मालाएँ आ गई, बैठ गए गुरुजी कि सोफे पे तो कोई नहीं मैं ही बैठूंगा, अंदर बैठो जिसने बैठना है। मैंने कहा आंटी अब बुरा मानो या भला मानो, गुरु के दरबार में तो देखो औकात नहीं है, क्योंकि संगत जी हमेशा भगवान का स्थान ऊंचा होता है, भगत का स्थान हमेशा उनके चरणों में होता है, और जब तक हम चरणों में नहीं बैठेंगे ना हमें सत्संग वाली फील कभी आएगी नहीं। ये दर्दें, ये घुटने, ये कमर, ये सब इन पे छोड़ दो, मैंने क्या बोला बस इन पे छोड़ दो, आज आए हो इनको कह दो भाई मेरा ये सब आपने ठीक करना है, मुझे नहीं पता, और मैं बैठूंगी जमीन पे, चाहे मेरे को मेरा ऑपरेशन हो, घुटनों के दोनों नी के ऑपरेशन हुए लोगों के, और सिर्फ 3 महीने भी नहीं हुए, और जब मैं उन्हें बोलती हूँ कि आंटी बिल्कुल ठीक हो जाओगे, वो बैठ जाते हैं जमीन पे आके। मैं खुद इतनी मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, कभी जिंदगी में डॉक्टर ने मना किया था कि मैं नीचे ना बैठूं, आज खड़ा भी करते हैं 8-8 घंटे, सफ़र भी कराते हैं 10-10, 11-11 घंटे का, और बिठाते भी हैं ये सब। आंटी ने मुझे 3 बार कहा मेरे पैर में दर्द है, होगी सच में होगी, मैं ये नहीं कहती कि झूठ बोल रही हैं, उठ उठ के जा रही थी। फिर मैंने बार बार इनको कहा आंटी आज गुरु जी आए हैं, देखो अब मैं आपको एक बड़ा प्यारा एक छोटा सा बताती हूँ, आपके काम की चीज़ है, जब गुरु जी आ गए आप गुरु जी के चरणों में बैठ गए, आपको पता है आज ये थॉट भी मेरे को गुरु जी ने पहली बार दी है, मैंने ये कभी शेयर नहीं किया आज तक। गुरु जी के समय में गुरु जी आपको पता है कभी कभी किसी की संगत को बोलते थे कि मेरे चरण दबाओ, लाओ मेरे हाथ दबाओ और जोर से दबाओ, यही कहते थे जोर से दबाओ, दम नहीं है तेरे अंदर, इन्नी होली दबांदा है रोटी नहीं खांदा हैगा, तेनू मैं उन्हें इन्नी सारी जलेबियां खवाइयां ने, जोर दी दबा। अब नरम नरम कोमल कोमल गुरु जी के हाथ, कोई छू दे तो 15 दिन तक तो खुशबू ही नहीं जाती थी हाथों से फूलों की, ऐसे लगता था कौन सा पता नहीं इत्र लगाते हैं गुरु जी, और कहीं इनको नील ना पड़ जाए, लोग सोचते थे कि इनको जोर से दबाएंगे तो इतना रुई जैसा इनका शरीर है, पर गुरु जी दबाते थे। तो गुरु जी उस समय भी किसी संगत के मन में बैठे बैठे थॉट्स आ जाते थे, कोई कोई आंटियां पहली बार आती थी उनके पति के मन में आ जाता था कि मेरी बीवी से क्यों दबवा रहे हैं, तो गुरु जी जान जाते थे, अंतर्यामी थे। तो गुरु जी बाद में उसे सबके बीच में बुला कहते थे की गल बड़ा सोचता पिया सी, कोस रहा सी तू मैनू कि मेरे को नहीं हाथ दबवाए, मेरी वोटी दे कोलों हाथ क्यों दबवाते पे हो, पैर क्यों दबवाते पे, किहड़ा गुरु हैगा, मैं तेरे पूरे परिवार नू ब्लैस कर रहा, मैं तेरी आंटी की सारी दर्दा ठीक करता पिया, ये आंटी आपको जवाब मिलेगा। जिसके घर में सत्संग होता है उसे तो पास बैठना ही है गुरु जी के, और जो दूर बैठे हैं ना, ये आज ही थॉट दिया शुक्राना गुरु जी आप कैसे कैसे मेरे मन में डाल देते हो, ताला खोलते हो और फिर शेयर कराते हो। मैं ये सोच रही थी गुरु जी कि जिनकी टांगों में दर्दें हैं, जिनकी घुटनों में पेन है, जिनकी बैक में पेन है,
जब गुरु जी को भोग लग रहा होता है या जब भी गुरु जी को जल प्रसाद दिया जाता है, जब आपको जल प्रसाद दिया जाता है, आप उस समय वो जल को पिया करो और उस समय अपने मन में आंखें बंद करके बस सिर्फ ये सोचा करो कि वहां बैठी हूं या अंदर बैठी हूं या किस कोने में बैठी, ये ना सोचो, चाहे दरबार में हो चाहे कोने में हो। गुरु जी का स्वरूप तो सबको पता है, आंखों में बसा हुआ है। जिसको नहीं पता वो यूट्यूब पे देख लेता है, फेसबुक पे आजकल सारा दिन गुरु जी हैं। तो वो यहाँ मन में गुरु जी का स्वरूप लेके आओ और गुरु जी को बोलो, लाओ गुरु जी मैं आपकी टांगे दबा दूँ, लाओ गुरु जी मैं आपके घुटने दबा दूँ, लाओ गुरु जी मैं आपका सर दबा दूँ, माइग्रेन खत्म हो जाएगा। आज ही थॉट दिया गुरु जी ने, कभी नहीं दिया था। लाओ गुरु जी मैं आपके हाथ दबा दूँ, मेरा सर्वाइकल ठीक कर देना। लाओ गुरु जी मैं आपकी कमर दबा दूँ। दबाना, मन में दबाना है, चरण दबा रहे हो ऐसे 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 दबा रहे हो और फिर देखना धीरे 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 आपकी सारी दर्दें गायब। वो चले नहीं गए हैं,